रमन रेती, और रमन रेती में आज हम सभी इंजॉय करने वाले हैं और सभी जगह हम घूमेंगे, रमन रेती और रसखान समाधि। तो हम चलते हैं और हमारी बाइक तैयार है और बच्चे भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हम आज मेला देखने जाएंगे। तो सब तैयार है, बोल रमन बिहारी लाल की जय। और हम सभी तैयार हो गए हैं, और ये हमारे देखो आगे राखी बैठी हुई है, और ये पीछे अनमोल है, महक है और एकांश है। तो चलते हैं, बाइक हमारी रेडी है, बोलो रमण बिहारी लाल की। अभी रमन रेती जाते जाते हम अभी जा रहे हैं रमन रेती, और रास्ते में ही हमें बच्चों का स्कूल दिख गया है, तो आपको दिखा देती है। हमारे बच्चे इसी रोड पे, रमन रेती वाले रोड पे हमारे बच्चों का, सभी बच्चे इसी स्कूल में पढ़ने आते हैं। और सामने आप देखेंगे ये सभी हमारे बच्चों का स्कूल है, सामने ही ये रमन रेती रोड है, सामने रमन रेती रोड के ही ये स्कूल है, ये रास्ता सीधा गोकुल के लिए है। हमने पार्किंग की पर्ची ले ली है और बाइक अपनी अपनी पार्किंग में लगा दी है। चलते हैं हम बच्चों को सभी को लेके रमन रेती में दर्शन कराने के लिए, और यहाँ थोड़ा एंजॉय और एक्टिविटी भी करेंगे। राधे राधे। रहते हैं, आपको दिखाऊं बहुत ही सुंदर, यहाँ हजारों हिरन बना रहे हिरन है, और अच्छा पार्क है, और देखो बच्चे कितने एंजॉय कर रहे हैं। आप यहाँ कभी भी आएंगे बच्चों के साथ, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। गोकुल से रमन रेती 2.5 किलोमीटर की ही दूरी पर है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। आप कभी भी आएँ, गोकुल रमन रेती एक ही है, गोकुल में आएंगे आप रमन रेती जरूर आएँ। देखिए बच्चों कितने अच्छा आनंद ले रहे हैं इधर। हेलो गाइस, बहुत ही सुंदर सा ये पार्क है, और रमन रेती के जस्ट सामने है, बहुत ही अच्छा है। इधर आपको मोर, खरगोश, कबूतर और हिरन, और बाकी काफ़ी तरीके के आपको इधर एनिमल्स मिल जाएंगे देखने के लिए। कहाँ है मोर? क्या कर ले ये मोर? खाना खा रहा है क्या मोर? मोर खाना खा रहा है, और राखी बोल रही है मोर खाना खा रहा है। तो चलते हैं अभी भीतर चलते हैं, और बंदर में भीतर अभी टाइम हो गया है, शाम के 4 बज चुके हैं अभी। आप हिरण को मोर को खिलाने के लिए यहाँ से आप दाना भी ले सकते हैं।
अभी रमन रेती में महाराज जी की कथा चल रही है और महाराज जी अभी कथा में है और सन्नानी महाराज जी की ये कथा चलती है। वही मैंने बताया था, ये शिवरात्रि के आसपास ही मेला शुरू होता है और 3 दिन के लिए मेला चलता है। 3 दिन के मेला के लिए आप कभी भी इस समय पर आ सकते हैं, तो इस समय पर कभी भी यहाँ पर आकर आप अपना इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को ला सकते हैं, पार्क घुमा सकते हैं और रमन रेती में लोट भी लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखो यहाँ क्या किस चीज़ का महत्व है। आँख में चली जाएगी, तुम मत करे। ये देखो कितना उम्मीद है यार यार। देखो कितना उदम कर रहा है, यही है उदम करने वाला। भाई देख लो, खूब अच्छा वाला बेकार है। हम जब छोटे छोटे आते थे तो हम भी ऐसे ही उदम करते थे, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान कृष्ण ने इसी तरह खेले हैं, इसी तरह रेत में लोटे हैं। इसी जगह, इसी का नाम, इस जगह का रमन रेती पड़ा है। रमन रेती इसी का नाम है, क्योंकि इस रेत में जो है ना वो ब्रज की ये रज है और रज में ये लोग सभी लोटते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं सभी। राखी मिट्टी में खेल रही है राखी। और ये अनमोल भी देख लो कितना उदम कर रहा है मिट्टी के आके, और राखी भी कितना उदम कर रही है। वैसे ये बोलती नहीं है और वैसे आगे देखो ये मिट्टी में कितना उदम कर रहा है। देखो चलो 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 एकदम चलो 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 आ जाओ। अब आती देखेंगे, आती देखेंगे। वो आँख में मिट्टी चली गई। तो समा गुना फल मिलता है। बोलो गोकुल धाम की, एक ब्राह्मण को भोजन कराओ उसने 51 रुपया का खर्चा आता है और लड्डू पूरी माता पिता को मार के। ये हमारे गोकुल के ब्राह्मण हैं और जो यात्रियों को घुमाने के लिए लेके आते हैं वो पहले रमन रेती लाते हैं और रमन रेती दिखाने के बाद उनको दर्शन कराते हैं और कुछ यहाँ का इतिहास भी बताते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पे आप कभी भी आ सकते हैं और यहाँ पे ये टाइम थोड़ा मेला का है और वैसे भी आएंगे तो आपको ये इधर रोल चोल बहुत अच्छी मिलेगी। इधर आपको घूम सकते हैं, आनंद भी ले सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का असली आनंद किस चीज़ में है और लोग इस इधर किस लिए आते हैं।
देखना चाहेंगे आप मेरे ही सामने देख सकते हैं। इसी चीज़ का इधर सबसे ज़्यादा महत्व है। इसी रेती में लौटने का ही सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि ये रज नहीं, ये यहाँ की जो रज है वही रज में आने के समान होती है, और ये रज पे ही उगना। देखो ये बच्चे भी कितना उदम कर रहे हैं। ये रमणीय स्थान है, यहाँ भगवान गौ चराने आते थे। ऐसे ये लोग लेट रहे ना, ऐसे यहाँ भगवान का लेट लगाते हैं। यहाँ लेट लगाने से अपने शरीर का दुख दर्द होता है वो दूर हो जाता है। रमण रेत लेटा नहीं किया ने अमना पान, रे मन तू जाना नहीं ब्रज का तत्व महान। ब्रज में आने का क्या महत्व है, गंगा जी जाओ में स्नान करना पड़ता है, रमण रेती में आकर यमुना जी का आचमन कर लेते हैं, छीटा लगा लेते हैं, रमण रेती में लेट लगा लेते हैं, शरीर का दुख दर्द दूर हो जाता है। ये भक्त मंडली आती है यहाँ दर्शन मेला करने के लिए आती है। बोलो रमण बिहारी लाल की जय। सो एक बार यही ब्रज की रेत में सर लौटने का कितना अच्छा महत्व। बच्चे भी जब हम छोटे छोटे थे तब इसी प्रकार से हम यहाँ पर इतना ही उदम करते थे जो बच्चे आज यहाँ करते हैं। यही सामने भंडारा चलता है, ये सामने वाली जगह जो है भंडारे की है। हम जो सामने जा रहे हैं ये सरोवर का रास्ता है, और सामने ही पड़ती है इधर जो मथुरा में फेमस दुकान वाले हैं शंकर हलवाई, वो यहाँ पर 3 दिन के लिए कचौड़ियों की दुकान लगाते हैं। जो यहाँ पर आने वाले नोकल सभी लोग होते हैं वो यहाँ की बहुत कचौड़ियाँ फेमस हैं, तो यहाँ की आप खुशबू भी आप कभी आएंगे तो आप महक सकते हैं, बहुत ही गजब खुशबू आ रही है कचौड़ियों की, शंकर की कचौड़ियाँ। देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितनी भीड़ लगी हुई है इधर। सामने ही लंगूर बैठा है और ये बहुत डेंजर है, बच्चों को डर लग रहा है क्योंकि ये खुला हुआ है और खा भी सकता है। ये खुला छोड़ दिया है। यहाँ सुविधा बहुत है, आप कभी भी आएंगे यहाँ भक्तों के लिए सुविधा बहुत अच्छी बना रखी है। काफ़ी चेंज रूम है, पानी की सुविधा है, खाने की सुविधा है, सोने के लिए सुविधा है। यहाँ आपको बहुत ही गजब आनंद आएगा क्योंकि रमण रेती इसका नाम है। ए, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, कहाँ चल गए हो? ये देखो घोड़े पे बैठ गया इतना ऊपर जाके, नीचे उतरो। और हम अब सभी जाने वाले हैं सरोवर की तरफ। यहाँ सरोवर बहुत ही अच्छा सरोवर है, गर्मियों में आप कभी आएंगे इधर सरोवर पे कभी भी आप नहा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, मछलियों को दाना डाल सकते हैं। देखिए हम नहीं, छोटा सा पार्क है कुछ, या बच्चे कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। बच्चे को जाना है झूला झूलने जाना है? हाँ। जाना है राखी झूला झूलना है?
राखी बोली नहीं रही है। चलते हैं बच्चों को लेके कुछ, चलो पार्क में। पार्क में बच्चे चलते हैं, बच्चे बोल रहे हैं कुछ एक्टिविटी करेंगे, झूला झूलना है। और देखो बच्चे तो जाते ही स्टार्ट हो गए। ये कहा, ये तेरे लिए नहीं है, छोटा है। अनमोल आ गया, अनमोल आ गया, अनमोल आ गया, अनमोल आ गया, अनमोल आ गया। और राखी भी आने वाली है, राखी आने वाली है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, धीरे धीरे मैं पकड़ लूंगा। आ जाओ 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 आ जाओ। आ जाओ चलो चलो ऐसे चल रहे, आ जाओ। कैमरा ये ऐसा बोला था, कंप्लीट आओ एक आम सुधर है, आ जाओ। ओ ये ओरे क्या कर रहे हो, ए बैठ जाओ बैठ जाओ, गिर जाएगा। छोटा सा ये पार्क है और रमन रीति में सरोवर के ही पास में है, नज़दीक में ही, और कुछ ज़्यादा ही नहीं, छोटी सी एक्टिविटी है बच्चों के लिए, बहुत ही अच्छा है। बच्चे आ सकते हैं, उधर एंजॉय कर सकते हैं। तो झूला बना हुआ है, तो बच्चों की कुछ छोटी मोटी अगर एक्टिविटी करने के लिए जगह। सामने से देखो राखी आ रही है। क्या करना है, कोना लेना है, कहाँ से? चलो तो वहां से खिलौना लेंगे, चलो चलते हैं। चलो टाइम को कटना है, कोई व्यस्तता तो करना है मुझे। यही सरोवर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यही यहाँ पर सरोवर बना हुआ है। पास में ही कुछ एक्टिविटी बच्चों को करने के लिए, यहाँ छोटा सा पार्क भी है और हज़ारों गाय भी हैं, हज़ारों साधु हैं, महात्मा हैं इधर। मतलब भक्तों के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा है, आप कभी भी आएंगे खाली टाइम में आ सकते हैं इधर, बहुत ही अच्छा आप टाइम स्पेंड कर पाएंगे अपने बच्चों के साथ। तो चलते हैं, आपको बाहर थोड़ा रसखान समाधि भी दिखाना है। बोल रमण बिहारी लाल की जय। हमारे पंडित जी भी हमको ढूंढते ढूंढते सरोवर पर ही आ गए हैं, और इनके हाथ में तो चाय भी लगी हुई है, और हमको ये तड़पा रहे हैं कि थोड़ी तुम भी चाय पीनी है। तो चलते हैं, थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं अब। तो हम अभी आ चुके हैं शंकर कचौड़ी वाले के यहाँ पर, जहाँ पर रमन रीति में ये 3 दिन के लिए कचौड़ियाँ लगाते हैं, और मथुरा के बड़े फेमस ही हलवाई हैं। तो जानते हैं अपने गोकुल के पंडित जी, जो कुलदीप पंडित जी हैं, जो हमारे परम प्रिय मित्र हैं, उनके जरिए के इनका क्या, थोड़ा बताते हैं इनके बारे में। पंडित जी बोलिए थोड़ा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ठाकुर रमन बिहारी लाल की जय। सबसे पहले तो भैया ये शंकर कचौड़ी वाले हैं, जो यहाँ पर कम से कम 50 वर्ष हो गया उनको, जितना मेरे को पता है, उससे ज़्यादा तो मेरे को भी जानकारी नहीं है, जितना मेरे को मालूम है इतना मैंने सुना है, लगभग 50 वर्षों से यहाँ पर कचौड़ी लगाने के लिए आते हैं, और ट्रस्ट में कचौड़ी बेचते हैं। इनके यहाँ दुकान पर एक कचौड़ी 22 रुपये का है, यहाँ पर उसी कचौड़ी को 10 रुपये का देते हैं ट्रस्ट की वजह से, सेवा के भाव से, मतलब सामान का पैसा लेते हैं, अपनी मजूरी नहीं लेते हैं। ये मथुरा में इनकी बहुत बड़ी दुकान है, पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस करते हुए आते हैं, लेकिन यहाँ पर आके कचौड़ी, गुलाब जामुन और चाय, इनकी ये 3 चीज़ फेमस हैं, और इन्हीं तीनों चीज़ों की यहाँ पर शॉप लगाते हैं। पूरे मेला में आपको कहीं इतनी भीड़ नहीं मिल सकती है जितनी भीड़ इनकी अकेली इनकी दुकान पर मिलेगी, देखिए। और यहाँ सुबह से कचौड़ियाँ चालू होती हैं, और शाम तक कचौड़ी और चाय चलती रहती है। 3 दिन का ये मेला अखंड होता है, और ये महाराज जी की सेवा में समर्पित है, क्योंकि ये उन्हीं के शिष्य हैं, शंकर हलवाई। तो चलते हैं हम थोड़ा बाहर की तरफ,
रसखान समाधि की तरफ, तो आपको दिखाएंगे वहाँ से रसखान समाधि। तो मेरा भी थोड़ा सा मन कराया है यहाँ की चाय पीने के लिए, तो पंडित जी मेरे लिए चाय ले रहे हैं, तो हम भी थोड़ी थोड़ी चाय पी के चलेंगे थोड़ा। तो हमको यहाँ चाय पीने के लिए पहले टोकन लेना पड़ता है, और टोकन हम जमा कराएंगे तब हमको वो चाय देंगे। ऐसे ही कचौड़ी के लिए भी आपको टोकन लेना पड़ेगा, और टोकन से ही आपको यहाँ कचौड़ियाँ मिलेंगी।